الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعۃ المبارک نو آپ اپنے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت مبارکہ دے سلسلہ دے اندر گفتگو سماعت فرمائی اج اسی واقعہ کربلا دے بعد یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے بعد جڑے واقعات گزرے ان واقعات چوں چند واقعات تے گفتگو کران گے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ظالم یزیدیاں نے جدوں کربلا دے میدان وچ ظلمن سجدے دی حالت وچ شہید کیتا حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کربلا دے میدان وچ آپ دے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کتنے زخم لگے کیونکہ بعض روایات دے اندر لکھے کہ 72 زخم آئے بعض نے آکھیا کہ 82 زخم بعض نے آکھیا 103 زخم آئے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ نہ پوچھ انہیں عرض کی تھی حضور جو تسی نہ دسو تے کون دسے گا آپ نے فرمایا کہ کربلا چ میرے دادا حسین نو اتنے زخم آئے سن کہ جتنے قرآن دے حرف نے اور کتب دے اندر لکھیا کہ ایک ایک بال دے نیچے کئی کئی زخم اور ایک ایک زخم دے اندر کئی کئی زخم سن
हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हो तो पूछा गया कि हुजूर करबला के मैदान अंदर इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने घोड़े तो जमीन ते कितनी देर च तशरीफ ले आए तो आपने फरमाती सा दकीका 9 मिनट लगे। अर्ज की हुजूर घोड़े तो जमीन ते डिगद 1 मिनट नहीं लगता, इमाम हुसैन नो 9 क्यों लगे? तो आपने फरमा के 9 मिनट तक मेरे दादा हुसैन ना घोड़े ते सन और ना जमीन ते सन। हजूर कितने सन? फरमाया 9 मिनट तक यजीदी मेरे दादा हुसैन नो अपने नेजियां दिया नोकां ते चुके फिर दे रहे सन। एक यजीदी दूसरे वाल सट दे तो दूसरा यजीदी तीसरे वाल सट दे। लू लू इमाम आली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो दा जख्मी हो गया। ग्रामी कदर हजरात इमाम आली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो दी शहादत तक एक करबला आए और करबला दा दूसरा रुख उतों शुरू होंदा जो हजरत इमाम आली मुकाम की शहादत हो गई। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो दी शहादत तक हुसैन हुसैन सन ते जैनब जैनब सी, मगर शहादत हुसैन दे बाद हजरत सैयदा जैनब मेरे इमाम की बहन आप हुसैन बन गई। एक करबला ओ भी जड़ी हुसैन ने देखी, एक करबला ओ भी जड़ी हुसैन की बहन जैनब ने देखी। अज अस उस करबला का जिक्र करांगे जिहड़ी सैयदा जैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखी। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो दी ऐन शहादत का वक्त इधर करबला च मेरे इमाम की शहादत हो रही है और आपनों ज़बह किया जा रहा, शिमर लईन सीने ते बैठ के आपनों ज़बह कर रहे। उधर मदीना तैयबा च उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इबने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते ने कि मैं दोपहर वेले आराम कर रहा थे, मैं ख्वाब च देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए मेरे ख्वाब के अंदर और हजूर बड़े परेशान ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक ते हजूर दी जुल्फां विच गर्द ते गुबारे धूड़े। मेरे आका अलैहि सलाम की बारगाह च हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अर्ज की, या रसूलल्लाह क्यों परेशान हो? फरमाया मैं करबला दे मैदान चो आ रहा, अज मेरा हुसैन जुल्म नाल शहीद कर दिता गया। उस ही वक्त हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमादियां मेरे ख्वाब च भी हजूर आए और मैं देखिया कि नबी करीम की दाढ़ी और जुल्फां विच गर्दो गबारे, इंज महसूस हो रहा है जिवें नबी करीम किसी लंबे सफर तो वापस आए ने। अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह तुसी इतने गमगीन ते दुखी क्यों, ये हालत क्यों बनाई? सरवर कायनात ने रोके फरमा उम्मे सलमा मैं करबला चो आ रहा, मेरा हुसैन शहीद कर दिता गया है। उम्मे सलमा फरमा दिया ने कि मेरी अख खुली, मैं दौड़ के उस शीशी वल वेखिया जड़ी शीशी दे विच मैं मट्टी रखी सी करबला दी जड़ी कमली वाले ने मैनू हुसैन दे बचपन च अता फरमाई सी। फरमाया सी उम्मे सलमा ये मट्टी नू संभाल के रखी, जिस दिन मट्टी खून बन जाए सुरख हो जाए समझी मेरा हुसैन शहीद हो गया। उम्मुल मोमिनीन फरमा दिया मैं वेख्या कि मट्टी सुरख रंग दी हो गई, खून बन गया। पता चलिया कि करबला दे मैदान च नबी पाक भी मौजूद सन और ए दीगर रवायात भी मिलती। नौजवानों जो इमाम अली मुकाम नू शहीद कर दिता गया उसे वक्त सूरज नू ग्रहण लग गया, सारी कायनात के अंदर अंधेरा छा गया, आसमान तो खून की बारिश शुरू होगी, आसमान भी रो रहे है। मदीना तो याबाद दियां गलियां च जिन्नात दे रोन दियां आवाज़ आईयां, जिन रो रहे चीखा मार मार के रो रहे। उम्मे सलमा फरमा दियां कि 50 साल मैं जिन्नात की आवाज नहीं सुनी, नबी पाक दे विसाल वेले सुनी या हुसैन की शहादत वेले सुनी। इमाम अली मुकाम की शहादत के फौरन बाद बैतुल मकदस के अंदर जेड़ा भी पत्थर उठाया जाता है वो नीचे तो खून उबलता है।
مفسرین سیرت نگار اور تاریخ نگار لکھ دین کہ جڑی شام دے ویلے مغرب دی طرف آسمان تے سرخی ہوندی ہے نا, امام ابن سیرین نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین دی شہادت تو پہلے اے آسمان چو سرخی نہیں سی, اے جڑی شفق دی سرخی ہے اے امام حسین دی شہادت دے بعد آئی کہ روزانہ شام نو سورج ڈوبدا بھی حسین دی یاد چ روندا ہے. گرامی قدر حضرات, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے فوراً بعد ان یزیدیاں ظالمہ نے امام علی مقام دے جسد اقدس اسے جسم پاک دے اتے گھوڑے دوڑا دیتے. عربیاں دا قانون سی کہ جدو کسے نو اپنے دشمن نو اُدھے مرد تو بعد انہوں توہین کرنا چاہتے سن تو اُدھی لاش تے گھوڑے دوڑاندے سن تاکہ اُدھی مزید توہین کیتی جائے. ان ظالمہ نے اعلان کیتا کہ جدی جدی لاش ہے اٹھا کے لے جاوے کیونکہ اسی گھوڑے دوڑان لگے ہیں. لوگ اپنی اپنی لاشاں دے وارث بن کے آئے. حضرت حر دا قبیلہ آیا تے حضرت حر دی لاش مبارک نو اٹھا کے لے گیا. سارے اپنے اپنی لاشاں لے کے ٹر گئے وارث, پر حسین علی مقام تے آپ دے پتراں تے بھانجیاں تے بھتیجیاں دی لاشاں بکھریاں پئیاں نے کیونکہ انہیں دی وارث تے یا سکینہ سی تے یا زینب تے یا زین العابدین سی. گرامی قدر حضرات, ظالمہ نے پھر گھوڑے دوڑائے, اپنے گھوڑا دیا ٹاپا دے نال انہاں امام علی مقام دیاں ہڈیاں مبارک توڑ دیتیاں, جس میں اقدس نے جتنے ٹکڑے کر سکے انہاں ظالمہ نے کیتے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے تے آپ دے روفہ کا دے سر اقدس انہاں دے تن تو جدا کر دیتے گئے. امام حسین دے سر اقدس دی توہین اس طرح کر رہے کہ آپ دے سر اقدس نو انہاں نیزیاں دیاں نوکاں تے لٹکا لیا. گرامی قدر حضرات, پر دوسرا رخ کیے, ادھر میرے امام علی مقام دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑان دینے تے ادھر خیمے چے میرے امام دی بہن زینب اثر دی نماز بھی پڑھ دی. کربلا والے اندر نال لال اصول ضابطہ قانون انہ دی محبت دین بھی نال لے جو. امام زین العابدین فرما دینے کہ ساڑا قافلہ مدینہ تو ٹوریا, اسی مکے آئے, مکے تو ٹرے تھے اسی کربلا آئے, شہادتہ دے کے قیدی بن کے کوفہ تے دمشق گئے تھے, اتھو واپس مدینے آئے. آ فرما دینے نا چھے مہینے دے اندر انیاں مصیبتہ دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دے ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا. میرے امام دی بہن زینب اثر دی نماز دے سجدے پہ کر دیئے. جنہ موقعاں تے عورتاں وین کر دیئے نا, انہاں موقعاں تے حسین دی بہن زینب سجدے پہ کر دیئے. جے امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا, تے لکھاں سلام نے پھر زینب دے سجدے آنو بھی. عورت ہمت صبر کٹھا نہیں ہوتا, پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انیاں شہادتہ کروا کے بھی اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیئے. ان ظالمہ یزیدیہ نے میرے امام دے علی مقام دے خیمے نو اگاں لا دیتی. امام حسین دے ہاتھ مبارک چ جڑی انگوٹھی سی نا, ایک یزیدی ظالم انگوٹھی اتار دا, انگوٹھی نہ اتری تے انگلی اتار کے لے گیا. امام علی مقام دی بیٹی سیدہ زینب خیمے دی اوٹ چ رو رہی اپنے بابا نو یاد کر کے. دو ہی گٹھڑیاں سن میرے امام دے خیمے چ, گٹھڑیاں بھی لٹ کے لے گئے. سیدہ سکینہ رو رہی اپنے بابا وال ویخ کے. ایک ظالم یزیدی کول تو گزریا, سیدہ زینب دے کنہ دیاں والیاں کھچ کے لے گیا تے سکینہ دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلے. جدو سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا, سکینہ دوڑ کے اپنی پھپھو وال گئیاں. سیدہ زینب نے جدو اثر دی نماز دا ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی تے رو کے کہنے لگی, پھپھو امی ایک ظالم میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے, اب ویکھو میرے کنہ چ خون پیا نکل دے. سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے, عرض کر دیئے سیدہ پانی پی لے.
पानी वल वेख्या ते वीर दी प्यास याद आई, प्याला हटा के फरमान लगी, बीबी जिदा एडा सोहना वीर दुनिया तो प्यासा ही टुर जावे उस बहन को पानी तो नहीं ना पीता जाता। उस औरत ने अर्ज की, मैं कोई बेगानी तो नहीं, करबला दे पहले शहीद हजरत हुर दी बीवियां खून दे के करबला च हिस्सा पा गए, मेरा पानी कबूल करो सैयदो, मेरा भी करबला च हिस्सा पै जाए। सैयद ज़ैनब ने पानी का प्याला पकड़िया, ख्याल आया कि ओ 13 साल का मेरे वीर का ज़ैनुल आबिदीन बेहोश है बुखार दे नाल, ते होवे ना ते अपने वीर दे पुत्र ज़ैनुल आबिदीन नूं पानी पी लवां। नौजवान सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ना पानी दा प्याला लेके खैमे दे अंदर आईयां, ज़ैनुल आबिदीन बुखार नाल बेहोश ने, सैयदा ज़ैनब ने सिर चुके अपनी गोदी दे अंदर रखे, आओ फरमा दिया उठ वे पुत्रा तू यतीम हो गया। ज़ैनुल आबिदीन दे लब हिले, फरमा लगे कौन है जेड़ा परदेसियां नाल प्यार प्या करना है। फरमा दिया वे पुत्रा उठ तेरी फुफो ज़ैनब आई, आओ उठ वे पुत्रा यतीम हो गया पानी पी ले। ज़ैनुल आबिदीन ने अपने लबा दे नाल प्याला हटाया, वाह सबर वाले कह लगे फुफो अम्मी तुसा पानी पीता या नहीं पीता। फरमा दिया मैं पुत्रा तू छोटा पहले तू पी ले। ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज की थी फुफी अम्मा जे पहले छोटिया ही पीना है फिर मेरी बहन सकीना नु पिला दो, वो मेरे नालू भी छोटी आई। फरमा दिया मैं पानी लेके सकीना दे कोल आई, सकीना दे लबा दे नाल पानी दा प्याला लगाया। सकीना हटा के कह लगी फुफी अम्मा पहले मेरे वीर ज़ैनुल आबिदीन पिलाया जे। फरमा दिया नहीं बेटी मैं पानी लेके गई साल, वो कहता पहले छोटे पीन गए फिर वड्डे पीन गए। सकीना ने फुफो को प्याला पकड़िया, करबला बल दौड़ पई। सैयदा ज़ैनब फरमा दिया नहीं सकीना नी बेटी किथे चली है। सकीना मुड़ के कह लगी फुफी अम्मा जे पहले छोटिया ही पानी पीना है मैं असगर नू पिलाउन चली हाँ, ओ मेरा वीर मेरे नालू भी छोटा है मैं अपने वीर नू कबर च पानी पिलाउन चली हाँ। खैमिया वालिया दिया चीखा निकल गई, सकीना नू ठोकर लगी, पानी दा प्याला करबला दी रेत डुल गया, करबला दी तपदी रेत ने पानी पी लिया। हुसैन दी सकीना फिर प्यासी रह गई। मियां साहब फरमांदे ने ए ताकत हुंदियां उन्हां जोर नहीं लाया, वो बैठे मन रजाई दुनिया तो प्यासे तुर गए, ए दीन दुनी दे साई। जवानों सैयदा ज़ैनब नमाज तो जो वज़ाइफ तो फारिग हुई फरमा दिया मैं वेख्या ते खैमे विच किधरे सकीना नजरी ना जावे। फरमा दिया मेरा दिल ढोलदा है हुसैन दी बेटी मेरे वीर दी बेटी मेरी जान सकीना किथे गई। आ फरमा दिया मैं एक खैमे दूसरे च तीसरे च ढूंढ रही हूं सकीना नजर ही नहीं आ रही। कन्ना बेच हुसैन दी वो आखिरी गल पे गूंज दी है मेरी सकीना दा ख्याल रखिया जाए। सैयद ज़ैनब फरमा दिया इधर इशा दी नमाज दा वेला हो गया। आ फरमा दिया मैं इशा दी नमाज पढ़ी ना, उधर यजीदी जालिम अपनी झूठी फतह का जश्न मना रहे। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ते नबी दे पुत्रां दी लाशां ओ ओ करबला दे मैदान च बिखरियां पईयां ने। नौजवान सैयद ज़ैनब फरमा दिया इशा दी नमाज पढ़ के मैं फिर सकीना नूं ढूंढ रही सकीना नजरी ना आवे।
सैयदा ज़ैनब फरमा दिया मैं ढूंढ दिया करबला वाले टुरी जा रही आ फरमा दिया आने अंधेरा भी गहरा हो गया सकीना भी किधरे नहीं पे मिलती फरमा दिया मैं टुरी टुरी करबला दे मैदान च आई मैं वेखया मेरे हुसैन दी सकीना अपने बाबा दी लाश दे कदमां नाल लिपट के लेटी है रो के फरमा दिया नी सकीना नी बेटी इत्थे की पई करनी है सकीना अपनी फुफ्फी नूं जफा मारे आओ कहन लगी फुफी अम्मा तुहानूं पता मैं बाबा दे सीने ते सौनी आं मैं अपने बाबा दे सीने ते सौनी आं फरमाया नी सीने ते सौन वाली है अज कदमां च क्यों लेटी है अर्ज कीती फुफो जाओ सीना सारा तीरा नाल छलनी हो गया सीने ते जगह नहीं मिली मैं अपने बाबा दे कदमां च सौ गई आं सैयदा ज़ैनब फरमा दिया मैं खेमे वल लैके टुरी सकीना मुड़ के कहन लगी बाबा खेमे च फेर जावांगी जे वादा करो रोज सीने ते सुलान आया करोगे नौजवान सारे चीखा मार के रो रहे सकीना बाबा बाबा कर दी है अज पहली रात है जड़ी ज़ैनब ने अपने वीर दे बगैर गुजार नहीं है जड़ी सकीना ने बाबा बगैर गुजार नहीं है निया सा फरमा दे ने ओ घड़ी रल बैठन वाली जद याद बंदे नो आवे कसम खुदा दी ओ चीर कले जा जा वे आर पे खड़ी फरमा देने लंबी रात दी छोड़े वाली ते गुजरी से परियां दी खबर ले आवे कौन मोहम्मद ए सजना दूर गया दी सकीना नु लेके खेमे दे अंदर आईया आ फरमा दिया मैं गोदे च लैके ना ते थपकियां दे के सुलाया औलादा वाले ओ सत साल दी बची होवे जिन्हें कदे सफर कीता ही ना होवे ओ कित्थों मक्के मदीने तो टुरी ते मक्के आई ओ तो सत साल दी लाडली जी बची जिहड़ी मक्के तो टुरी ते करबला तक आई उन्हें चाचे दे बालू कटदे वेखे उन्हें वीरां दियां बोटियां होंदियां वेखियां उन्हें अपने बाबा दी लाश ते घोड़े भी दौड़दे वेखे पता नहीं सैयदा सकीना नूं अल्लाह ने किवें दा हौसला दित्ता होवेगा अधी रातों रात ढली तो सैयदा ज़ैनब फरमा दिया मैनूं ख्याल आया ये जंगल बियाबान है ते इत्थे कोई जानवर कोई दरिंदा आके साडियां लाशां नूं नुकसान ते तोहीन ना करे ते मैं पैरा ना देवां नौजवानों दस मुहर्रम उल हराम गुजरिया ते जिहड़ी ग्यारहवीं मुहर्रम की रात आई ना पहली रात सैयदा ज़ैनब फरमा दिया कि मैं एक तलवार पकड़ी वह इमामे हुसैन वाली तलवार वह जिहड़ी बाबा मौला अली वाली तलवार सी तलवार पकड़ के ना तो सैयदा ज़ैनब पहरा पईआं देंदियां लाशां कट्ठियां कर रही एक लाश आउथ चुके लियांदियां ते लिया के कट्ठी कर दी कदे आउन दी लाश उठा के लियांदियां कदे मुहम्मद दी कदे अब्बास दे कदे कासिम दे कदे अकबर दी सारियां लाशां 71 लाशां दा ढेर 72 लाशां दा ढेर लगाया सैयदा ज़ैनब ने उस औरत ते उस बीबी दा हौसला वेख 72 लाशां दा ढेर लगा के ना ते सैयदा ज़ैनब पहरा पईआ दे दिया अचानक आप नूं ना अधी रातों रात ढली ते इक साया नजरी आया ज़ैनब ज़ैन अब जे फारसी विच ज़ैन अब पढ़िए ते दा मतलब बनता है बाप वर्गी बेटी अली दी ते बाप वर्गी सैयदा ज़ैनब हौसलियां दा पहाड़ हौसलियां दा ते सबर दा कोहे हमालिया आप साहिब अल वेख्या ते पुकार के फरमान लगियां वे आउन वालिया वे जरा ध्यान लावी अगे मुहम्मद शेर सुते हुए नहीं
देखी किधर तेरी सवारी दे टापा दे नाले ना दी लाशा दी तोहीन ना होवे। आपने वेख्या कि सवार तुरे आ रहा, जदों करीब आया तो आपने वेख्या उहदे चेहरे ते नकाब है। उन्हें आके ना दो निकियां निकियां लाशा वाल इशारा किया, पुछदा ए ए ए लाशा किदियां ने। मां सी ना तड़प के फरमान लगी, मैं परदेसां दे पुत्रां दियां लाशा ने। उन्हें पुछया आ आ दो लाशा किदियां ने। फरमान लगी, मेरे वीर हुसैन दे पुत्रां दियां लाशा ने। पुछया ओ लाश की दी है? आख्या मेरे वीर हसन दे पुत्र दी लाश है, ओ अब्बास दी लाश है, ओ कासिम दी लाश है, ओ अकबर दी, ओ आउन ते मुहम्मद लेटे ने, आउन वाला टुरिया जा रहा। सैयदा दाना बाबा देख के फरमाउन लगी, अबे आउन वाले आज जांदी वारी दस जा, तू कौन है? उन्हें अपने चेहरे तो नकाब बताया ते नाले आवाज दे के आख्या मारे आवाज नबी ने अगो ए फरमान सुनाया, तुझ गरीब दा नाना बचेड़ी तेरा पैरा वेखन आया। सैयदा वे के परमान लगी, नाना आए ने अर्द कर दिया, नाना जी अब मेरा पुत्र अकबर जाए, ओ मेरा पुत्र आउन ते मोहम्मद जाए, ओ मेरा लाल कासिम जाए। नाना जी जेड़ा हुसैन दा मुंह चुमदे रहे ओ वेखो अज उस चेहरे दे उते इना जालमन करबला दी रूह जूड़ जमाई जाए। अर्द कर दिया नाना, जेड़े हुसैन मोड़िया ते चुके फिरदे रहे ओ इना जालमन हुसैन दियां हड्डियां तोड़ दित्तियां जे, मेरे वीर हुसैन दे टुकड़े कर दिते ने। रो के कहन लगियां नाना अज आए ओ बदला लै के जाया जे। प्यार करके फरमाया, नी धीए रोना मैं हुन नहीं आया, मैं सवेर दा करबला दे अंदर सा, अज मैं वेखना चाहुंदा सा इम्तिहान लैण वाला किवें लैंदे, देण वाले किवें देंदे। ग्यारह मुहर्रम दी सवेर तुलू होई ना, इन्हां यजीदियां जालिमां ने अपनियां लाशां ते दफन कर लिया, पर रसूलुल्लाह दे पुत्रां दियां ते उन्हां दे हवारियां दियां लाशां उंजी करबला दे मैदान च दिख रहीआं ने। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो दे काफिले दा ऊंट ज़बह कीता, दुपहर दा खाना खावण लगे यजीदी। इमाम हुसैन दे काफिले दा ऊंट ज़बह करके ना जदों सालन बना के ते ऐन वक्त ते खाना खान बैठे, सारा सालन खून बन गया, उदे चो इतनी बदबू आई कि कोई खान दे काबिल ही नहीं। एक यजीदी जालिम ने आके ना ते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नु कोड़ा मारिया, ते कोड़ा मार के कहन लगा तू दस्या क्यों नहीं कि तेरा ऊंट बीमार है? आपने फरमा क्यों? कहन लगा सा तेरा ऊंट ज़बह करके ते सालन बनाया, इतनी मेहनत की थी ते सारा सालन खून बन गया। आपने फरमाया मेरे काफिले दा ते कोई ऊंट बीमार नहीं। फरमाया जालमो मेरा केड़ा ऊंट ज़बह किया जे? एक यजीदी जालिम बोल के कह लगा वो जड़ा कितार दे अंदर पंजवें नंबर ते ऊंट सी असा वह ज़बह किया। ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई, रोके फरमान लगे जालमा उन्हें क्यों ज़बह किया? उस ऊंट ते बह के मेरा वीर अकबर मदीने आया से। सैयदा ज़ैनब फरमान लगियां, ज़ैनुल आबिदीन पुत्रा इन्हें जालिमा नु कह दे कि कानून बदल गए जे, असां जितना ज़बह होना सी तुसा सानू कर लिया, हुण ज़बह होण दीआं वारीआं तुहाड़ीआं आ गईआं जे। अल्लाह दी कुदरत दा कानून बदल गया, हुण रब ने हुसैन दे काफिले दा कोई जानवर भी ज़बह नहीं जे होण देना, हुण वारीआं तुहाड़ीआं साडे इम्तिहान मुक गए तुहाड़े शुरू हो गए जे। नौजवानों मैं इख्तिसार नाल अर्ज करा, जदों तीन दिन करबला दे मैदान च रह के इन्हां ज़ालिमां ने अपनियां लाशां दफन कीतीआं, इमाम हुसैन ते आप दे रूफा कादियां लाशां उवें बिखरियां, सर उतार ले
नेज़ियां दी नोकां ते लटका के जब काफिला करबला तो टुरन लगा ना ते रसूलुल्लाह दीयां बेटियां नूं कैदी बनाया गया। सैयदा ज़ैनब वर्गियां शहजादियां नूं जदों कैदी बनाया गया रसूलुल्लाह दे घर विच पलन वालियां और जिन्हां दे सिर दा वाल कदे आसमान दे चन्न ते सूरज भी नहीं वेख्या उन्हां नूं जदों कैदी बनाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 13 साल दे इमाम हुसैन दे पुत्र दे पैरां विच बेड़ियां पा के हत्था च हत्थ कड़ियां पा के बाप दे सिर वाला नेज़ा ज़ैनुल आबिदीन नूं पकड़ा दिता। बाप दे सिर विचों खून दे कतरे पुत्र दे चेहरे ते डिगदे ने। लियाओ तारीख विच कोई एवें दा मंजर कि बाप दे सिर विचों खून निकलदा होवे ते पुत्र दे चेहरे ते डिगदा होवे। वाह ज़ैनुल आबिदीन तेरे हौसलियां तों भी कुरबान जावां। 40 ऊंटां दी कतार, ऊंटां ते पलान भी नहीं रखे, गद्दियां भी नहीं रखियां, नंगियां ऊंटां दियां पुश्तां ते मुहम्मद दियां बेटियां नूं बिठाया कि इन्हां नूं हड्डियां चुभन ऊंटां दियां, इन्हां नूं तकलीफ होवे। रसूलुल्लाह दियां बेटियां नूं, बहुआं नूं, इत्रत रसूल नूं इन्हां ज़ालिमां नूं ऊंटां दियां नंगियां पुश्तां ते बिठाया। काफिला टुरन लगा ना, जदों करबला दे मैदान च टुरन लगा, 40 ऊंटां दी कतार है, ते जदों सैयदा सकीना दे बैठन दी वारी आई, ओ 40वें ऊंट ते वारी सकीना दी आई। सब तो पहले ऊंट दे अगे अगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं पैदल टोरिया, बेड़ियां पा के टोरिया, बाप दे सिर वाला निज़ा हाथ च पकड़ा के टोरिया। सैयदा ज़ैनब फरमान लगियां, पुत्रा इन्हां ज़ालिमां नूं कह दे तुसां साडी कोई नहीं मन्नी, एक मन लो, अज जदों करबला च टुरन लग्यो ते मेरे वीर दी लाश दे कोलों गुजरिया जे, मैं जांदी वारी अपने वीर हुसैन नूं मिल जावां। नौजवानों मैं केड़ा रंग पेश कराऊं, ए बीबी ज़ैनब कैदन बन के आए, शाम वाले जदों चली कब गया सी अर्श खुदा दा, नाले कबर रसूल दी हली, वेले यजीदी इमाम हुसैन दी लाश दे करीब तू काफिला लैके गुजरे, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप दी लाश ते लेट गए। सैयदा ज़ैनब ऊंट तो नीचे आ गई, आके अपने वीर नूं जफा मारिया, फरमा दिया वे वीरा तुर चलिया, वे वीरा उठे अपनी भैन नूं जांदी वरी सीने ला लै, वे वीरा असी तुर चले आ, अज मेरे कोल तौफीक हुंदी मैं तेरी खबर बना के जांदी, पर वीरा मैं की करा, उंज मैं जदों मदीने जावांगी जाके मैं नाने नूं सारे हाल सुना के आवांगी। अर्द कर दिया ने वे वीरा, अज कदे मैनू रब तौफीक देंदा, मैं एवें दी बद्दुआ करदी सारे यजीदी करबला च मर जांदे, पर असी अजे उवें राजी आ जिवें खुदा राजी आ, अज असां सबर करना है, ये अपना जुलम करी जान असी अपने सबर करके वखावांगे। नौजवानों मैं केड़ा रंग देवा, सैयदा ज़ैनब कैदी बन के नौजवानों जड़ बेले करबला च टुरिया, आशिक दी रूह तड़प गई ते आशिक बोल के कहंदा सानू पता कि वीर दी लाश जिस दम ए छड़ के टुर दी है भैन ते की होंदा, पूछो ज़हरा तू पुत्र दी लाश उत्ते आए, जदू तड़फे हुसैन पे की होंदा, पूछो ज़हरा तूने दे तीनों के उत्ते, जदू तड़फे हुसैन पे की होंदा। सैयदा ज़ैनब दा काफिला करबला च जा रहा, नौजवानों मेरे नबी दे पुत्रां दियां लाशां में करबला च बिखरियां ने, काफिला जड़ वेले टुरदा टुरदा करबला च निकलिया, नौजवानों राज इक बाजार आया, इक कसाई बकरी पिया जबा करदा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बकरी जबायों दी वेखी,
तड़प के फरमान लगे कसाईया ठहर जाओ इन्हों पानी पिलाया के नहीं। कसाई कहन लगा जी मैं पता है मैं मसला याद है कि जानवर जबा करिए पानी पिला के करी दे। फरमा देने तो जानवर पानी पिला के जबा कर दे सानू प्या सही जबा कर दिता दे। जबानों काफिला टुरदा लगा जा रहा बाजारा चु गुजरते जा रहे इमाम जैनुल आबिदीन ने जा पकड़ के अगे अगे जा रहे। मेरे इमाम की बेटी सकीना 40वें ऊंट से बैठी है वो बेटी जड़ी हर वेले पापा की गोद च खेडन वाली। नौजवानों जद शाम का अंधेरा होया सकीना दूर अपने बाबा का चेहरा वेख दी है कदे नेजे की नोक दे हुसैन का सिर नीवा हो जाता है। सकीना उड़ते उठ के खड़ी हो जाती है किधरे बाबा नजरी ही आ जान। सकीना बाबा बाबा करके रोंदी है जदों अंधेरा हो गया सकीना में बाबा नजरी ना ही आ रही। सकीना ऊंट की पुश्त से उठ के खड़ी हो गई उन्हें जड़े वेले वेख्या बाबा नजरी नहीं आ रही। सकीना रो के कहन लगी बाबा मैनू चेहरा नजरी नहीं आ रहा। एक यजीदी ने सकीना दे चेहरे ते थप्पड़ मारिया। हुसैन दी बेटी सकीना ऊंट तू जमीन ते डिग पई औलादा वाले काफिला टुरदा जा रहा। सकीना बाबा बाबा करदी रोंदी जा रही तेरे इमाम का काफिला टुरदा जा रहा। अचानक हुसैन दे सिर वाला नेजा जमीन च खुब गया। यजीदी जोर लगांदे ने नेजा उखड़दा कोई नहीं। एक यजीदी ने आके ज़ैनुल आबिदीन कोड़ा मारिया कह लगा पुछ अपने बाबे को टुरदा क्यों नहीं। ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ जोड़े अर्ज की बाबा हुन कोड़े नहीं खादे जांदे बाबा दसो टुरदे क्यों नहीं। हुसैन दे लबां च आवाज आई पुत्रा किवें टुरा मेरी सकीना ऊंट तू डिग पई। इमामे ज़ैनुल आबिदीन कहन लगे तू फी अम्मा मेरे पैरों में बेड़िया ने जरा दौड़िया आ जाए वेख्या जे सकीना कित्थे रह गई है। नौजवान रात दा अंधेरा सैयद ज़ैनब जड़े वेले काफिले दे पिछे आई आई वेख्या निकी जी सकीना रेत ते लेटी है तेरे के कह रही है अकबर वीरा मैनू लै जा कासिम वीरा मैनू नाल लै जा। जदू कुछ दी आवाज ना आई तेरे के कह लगी बाबा तुसी ठहर जाओ सकीना डिग पई है बाबा अपनी सकीना नु नाल लै जाओ। सैयदा ज़ैनब ने सकीना नु चुके सीने नाल लाया अपने ऊंट ते ले आके गोदी च बैठा के थपकियां दे रही। सकीना ने के निके सवाल कर दिए कहती है फुफी अम्मा बाबा ने कदों आना है अस मदीने कदों जाना है मैं अपनी बहन सूरा कल जाना है। सैयदा ज़ैनब सीने लगा के रोई जा रही तेरे बहू दे कलम दी नोक दे अर्ज करा आ परमा देने चढ़ वे चन्ना वे कर रुशनाई तारे जिक्र करें दे तेरा हो तेरा जिक्र करें दे तारे हो कलिया दे बिच फिरन निमाने ए लाला दे पंजारे हो शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख किना थी भारे वो ताड़ी मार उड़ान पाहो असिया पे उड़न आ रे हो।
काफिला टुरिया जा रहा, एक बाजार च गुजरे ते लोग कोठिया ते चढ़ के तमाशा देख रहे, किसी ने खजूरां ते छुहारे सटे, एक खजूर आके ना ते सिंह सकीना दी गोद च डिगी। लोगों कई दिन दी हुसैन दी भुखी बेटी, खजूर जद गोद च डिगी ना, वो निकी जी बच्ची ने खजूर उठा के मुंह च डाली। सैयदा ज़ैनब ने मुंह च उंगली डाल के ना ते खजूर निकाल ली। फरमा दिया ना नहीं सकीना किधरे सदका ही ना हो, असी सैयदादियां साढ़े ते सदका हराम है, क्योंकि सारा जग ते साढ़े सदके ते पल दे। फरमाया नी तीए जिथे इन्ने दिन सबर कर लिए, दो घड़ियां होर सबर कर जा, कयामत तक मेरे नाने दी उम्मत तेरे ना दे लंगर पका के वंडदी रहेगी। मुसलमानों में केड़ा रंग देवा। इमामे ज़ैनुल आबिदीन रोंदे कदे बाप दे चेहरे वल वेखदे, कदे पिछे वेखदे। एक बीबी आके ना तो सैयदा ज़ैनब नूं फरमा दिया, ज़ैनब रो ना, तू भी ज़ैनब है, तेरा वीर भी शहीद होया ना, तेरा वीर भी विछड़िया, ते एक यूसुफ अलैहि सलाम दी बहन भी, उहदा नाम भी ज़ैनब सी, उहदा भी वीर विछड़िया सी, तेरा भी वीर विछड़िया, ना रो। सैयदा ज़ैनब फरमा दिया, वह भी ज़ैनब सी ते मां भी ज़ैनब, वीर उहदा भी विछड़िया ते वीर मेरा भी विछड़िया, पर उहदे ते 12 वीर सन, मेरा हुसैन। आ फरमा दिया तेनों ये नहीं पता 40 साल बाद उस ज़ैनब दा वीर ते फिर मिल पिया सी। आ फरमा लगिया नी बीबी मन तसलिया देन वाली है, फरमा दिया ने 40 साल पिछों यूसुफ ये मिल पिया बाप ते भाइया, पर रोज कयामत की कर दे गया ए मीरा वीर जुदाया। एक बाबा या के ज़ैनुल आबिदीन कह लगा, पुत्रा रो ना, तू कला कैदी नहीं बने, रब दा नबी यूसुफ भी कैदी बने सी, पुत्रा ओदे वल वेख चुप कर जाओ। ज़ैनुल आबिदीन फरमाउन लगे, बाबा तेनू की पता है वे मैं क्यों पिया रोना। अल्लाह दे कुरान ने फरमाया कि यकूब दा एक यूसुफ विछड़िया, यकूब ना रहे, यकूब दी अखां दी बेनाई चली गई। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह दे नबी दिया रो रो के अखियां चलिया गईया। फरमाया ओदा एक यूसुफ गया सी, मेरे सारे यूसुफ टुर गए ने। फरमाया दस बाबा रोवा मैं क्यों ना। आ फरमान लगे, बाबा एक कैद यूसुफ दी ते कैद आबिदैन दी इस विच फर्क हजारां, यूसुफ कैद इकला होया, मेरे नाल ने पर्दे दारा। करबला तो ज़ालिम पहले रसूलुल्लाह दियां बेटियां नु कैदी बना के ते कूफे वल लेके गए कि पहले इबन ज़ियाद दे दरबार च पेश कीता जाए। जदों आया ना कूफे दा बाजार ते सैयदा ज़ैनब रुक गई, टुर दियां ने। यजीदी जालम फौजी 750 फौजी इन्हें जालिमां ने रसूलुल्लाह दियां बेटियां ते पहरेदार नाल टोरे। नौजवानों 350 एक तरफ ते 350 या 400 एक तरफ, उन्हें चंद अफराद दे वास्ते इन्हें जालिमां ने इतने फौजी खड़े किए। इबने ज़ियाद ने जालिम ने ऐलान कर दिता कि बागी आ रहे ने, माज़ल्ला हुकूमत दे बागी। उन्हें नहीं लोगों को दसिया कि यह तो हसन हुसैन आ रहे ने, उन्हां दियां बेटियां ने जिन्हां दे घर कुरान नाज़िल होंदा रहे। उन्हें आख्या कोठियां ते चढ़ो ते तमाशा वेखो, मैं लोगों को दसा कि जिहड़े यजीद दी हुकूमत नाल बगावत करेंगे उन्हां दे नाल असीं किहड़ा सलूक करांगे। लोग कूफे दे कोठियां ते चढ़ गए, उन्हां नूं ते पता ही नहीं कि इमामे हुसैन ते
आप दे रूफा का आ रहे हैं। इन जालिमा ने कूफे की गलियां च ऐलान किया कि हुकूमत दे बागी आ रहे हैं, कैदी बना के लिया जा रहे। जेड़े वेले कूफे दे बाजार च गुजरन लगे सैयदा ज़ैनब रुक गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब आए थे, आखे फुफू चलती क्यों नहीं? फरमा पुत्रा इको वेला से जो मेरे बाबा अली खलीफा बने ना, ते आपने खिलाफत के दौरे च मदीना छड़ के कूफे नु दारुल खिलाफा बनाया, ते इन गलियां च मैं अपने अबू अली दे नाल शहजादी बन के गुजरी सा। अज ओ गलियां ने ओ लोग ने ते ओ ज़ैनब, इन गलिया च मैं कदे शहजादी बन के गुजरी सा, अज कैदी बन के किवें गुजरा? ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज की, फुफू अम्मा उदो भी असी साबिर सां ते अज भी असी साबिर हां। सैयदा ज़ैनब जो वे कूफे दियां गलियां च उन्हां गेट ते बाजारां च गुजरियां ना, जदों कदे शहजादी बन के गुजरियां सन, ते कूफे दियां औरतां ने फुल्लां दियां पत्तियां नाल शहजादी दा इस्तकबाल कीता। अज जालिम उसे ज़ैनब नूं उन्हां गलियां विचों कैदी बना के गुजारे। सैयदा ज़ैनब दा काफिला जदों गुजरिया ते कमाई वडेरी सुक्की रोटी दे दो टुकर लैके आई, सीने ते हथ रख के सुनिया जे माई ना सैयदा ज़ैनब ने जो रोटी दे टुकर दे के पेश किए ते कहन लगी, बेटी तू कैदन भी लगनी है ते परदेसन भी लगनी है ते भुखी भी लगनी है, रोटी खा ले। सैयदा ज़ैनब ने जो रोटी वाल वेख्या ते मोटे मोटे अथरू अखां च आए। ये ओ ज़ैनब है जिहड़ी मदीने की सब तो अमीर औरत सी, जिहदा शौहर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर मदीने का सब तो अमीर ताजर से। उदेड़ी मदीने च इन्नी सखावत करती सी कि इमामे हुसैन वर्गे सखी ने भी एक दिन आख्या, बाजी ज़ैनब थोड़ी सखावत करया कर, को बच्चों लिए भी जोड़ के रख। ते ज़ारा दी बेटी ने फरमाया, वीरा मैनू इंज लगता रब मैनू देंदा ही वंडन वास्ते। ज़ैनब जिहड़ी आप वंडन वाली सी, जदों बाजार च माई सुखी रोटी दे टुकर के कीते ना, सैयदा ज़ैनब रो के ते रोटी दे टुकर पिछे करके फरमा लगी, अम्मा असी मंगन वाले नहीं असी वंडन वाले हाँ। अम्मा वेखी किधरे सदका ते नहीं? माई ने ना सैयदा ज़ैनब वाल बड़ी हैरत नाल वेख्या ते कहन लगी, नहीं बेटी तू कौन है? आ फरमा दी, अम्मा क्यों पूछनी है? ते माई कहन लगी, नहीं धीए मैनू तेरे विचों ना मदीने वाली फातिमा की खुशबू पई आती है। जिन्ने महीनों के बाद परदेसा च मां का नाम सुनिया ना, सैयदा ज़ैनब धाड़ा मार के रो पईआं। फरमाया, अम्मा तू मदीने वाली फातिमा नूं किवें जाणनी है? माई कहन लगी, नहीं दीए जदों मैं जवान सम मदीने वसदी रही आ, नबी दी बेटी ज़ारा दे घर नौकरानी रही हूँ। एक दिन मैं नबी दी बेटी फातिमा दे कोल बैठी सां, ते सैयदा ने फरमाया, अम्मा कित्थों दी रहन वाली है? मैं आख्या, सैयदा मैं कूफे दी रहन वाली हूँ। ये नबी दी बेटी ने आख्या, अम्मा कदे वेला आएगा तेरे कूफे दियां गलियां च इक काफिला गुजरेगा, उन्हां परदेसियां नूं पानी पिला देवी, उन्हां नूं भुख लगी होवेगी खाना खिला देवी। ये धीया जो मेरे कोल खाना ते कोई नहीं, पर मैं सुकी रोटी दे टुकर लै आई हूँ, मैं नबी दी बेटी दे घर कम करती रही हूँ। फरमाया, अम्मा उस वेले दी को गल सुना दे। माई कह लगी, नहीं धीए की दसा, मैं नबी दी बेटी ज़ारा दे घर कम करती रही हूँ। उन्हें दिनों च नबी दी एक बेटी दी बेटी सी, उदा नाम ज़ैनब सी। मैं ज़ारा दी बेटी नूं लोरियां देंदी रही हूँ। सैयदा ज़ैनब रो के फरमान लगी, अम्मा ध्यान नाल वेख लै, मैं नबी दी आई बेटी ज़ैनब, मैं ज़ारा दी बेटी ज़ैनब जिन्हों लोरियां देंदी रही है। माई ने कदम फड़ ले, कहन लगी, रबा मैनू अज दा दिन क्यों बखाया ही?
मैनू मौत दे देंदा जिन्हां दा नाम कदे लोकां बाजारां च नहीं सी लिया। ये जालम उन्हां नबी दियां परदादां और बेटियां अज कैदी बना के बाजारां च लै आए ने। कदम फड़ के कहन लगी सैयदा जांदी वारी दुआ करी जाओ। सैयदा ज़ैनब ने हाथ चुके अर्ज की आला इस मई ने परदेसा च सानू अपना परौना बनाया है। कयामत दिहाड़े इनू साडा परौना समझ के माफ कर देवी। नौजवानों मलक जिन्ना थी शर्मा कर दे रब करे पड़े आया कैदी बन के शाम चलियां ओ अली दिया जाया। वक्त खत्म हो गया मगर बात अजे बेशुमार सारी तवील है। इबन साद इबन ज़ियाद के दरबार च जदों कूफे काफिला पहुंचा ना इस जालिम ने आख्या ज़ैनुल आबिदीन नूं भी शहीद करो। सैयदा ज़ैनब फरमा लगियां वे ज़ालिमा इक्को ही बचिया है हुण तक ते मैं चुप रही हाँ पर जे किसी हुसैन के पुत्र नूं हाथ लगाया ना मैनू नहीं पता कयामत कदों आनी है पर इंज की बद दुआ करांगी अज ही कयामत आ जाएगी। इन ज़ैनुल आबिदीन ने छोड़ दिता आख्या इन्हों मुल्क शाम यजीद के दरबार छोड़ो। कूफे तो शाम तक दमिश्क का सफर 600 मील सी। कितना 600 मील पर ये ज़ालम उल्टे रस्ते तो लैके गए। ये सफर तकरीबन मुअर्रखीन लिखते ने 800 मील का बन गया। कूफे तो रसूलुल्लाह दियां बेटियां नूं फिर ऊंटां ते बिठाया ते 800 मील का सफर पहाड़ां ते जंगलां च करा के बेशुमार वाकियात रस्ते च गुजरे यजीद दे दरबार च पहुँच गए। फिर कदे वाकियात अर्ज करांगा। यजीद ने हजरत इमामे हुसैन दे होंठां ते छड़ी मारी। एक सहाबी रसूल बैठे सन तड़प के फरमान लगे ना मार जालिमा इन्हां होंठां नूं मैं नबी नूं चुमदिआं वेख्या है। कहन लगा तू सहाबी ना होंदो मैं तेरे टुकड़े कर दिंदा। फिर मैं सहाबी का अदब करना है तो वह करदा ही नहीं जिहड़ा मुहम्मद के मोढ़े ते खेड़ के जवान होया। इमामे ज़ैनुल आबिदीन जदों बेड़ियां पा के पेश किए गए यजीद कह लगा तेरा बाप हार गया मैं जित गया। आपने फरमाया किस तरह? कह लगा वेख तेरे बाप का सिर थाल ते मैं तख्त ते बैठा। इधर जुमे की अजान दमिश्क की जामे मस्जिद च हुई। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आई तो इमामे ज़ैनुल आबिदीन फरमाया अजान देने वाले तेनों मुहम्मद की कसम इतने चुप कर जा। वह चुप किया तो आपने यजीद ने फरमाया अजान च तेरे नाने का ना है कि साढ़े नाने का ना है? यजीद कह लगा नाना ते तो हाड़ा ही है। फरमा फिर तू हार गया ते हुसैन जित गया। यजीद ने पूछा किस तरह? फरमाया मेरा बाबा तेरे तख्त वास्ते नहीं लड़िया क्योंकि मेरा बाबा किसी पत्थर नूं ठोकर मारे ते तख्त बना देवे। यजीद कह लगा लड़िया क्यों? फरमाया मेरा बाबा इस वास्ते लड़िया कि तू चाहता सा साढ़े नाने की अजान बंद हो जाए नमाज बंद हो जाए इस्लाम का दरवाज़ा बंद हो जाए। फरमा तेरा तख्त ते कल मिट जाना ही ओ वेख साढ़े नाने की अजान पई होंगी आ अजान कल भी साढ़े नाने की होनी आ ते जब तक मस्जिद के मीनार चो अजान की आवाज़ आँदी रहेगी यजीद हारे ही रहेगा तो हुसैन जिते ही रहेगा। बड़े वाकयात यजीद के दरबार च गुजरे मगर वक्त मुक गया। बस यजीद ने आखे इन्हों मदीने छोड़ो। हजरत नुमान बिन बशीर सहाबी रसूल इन्हों मदीना तैयबाद छोड़ के आए। फिर सारी जिंदगी इमामे ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा के गम में रो के गुजार दी। कदे वेला मिलिया तो इन वाकयात मैं तफसीलन गुफ्तगू अर्ज करांगा। आ चुके वक्त भी खत्म हो गया और मुहर्रम शरीफ का महीना भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह आइंदा साल जिंदगी रही तो इतों ही असी बात का आगाज़ करके वापसी करबला दे उत्ते अगले साल इंशाल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू करांगे। अल्लाह तबारक व तआला साडी हाजरी नूं कबूल फरमाए। आमीन वाखिरु दवाइया अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।